वाइल्ड ब्लॉक में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेके चलते हैं द किंग कॉन्ग पार्क, जो कि नोएडा में अभी अभी आया है एक महीने के लिए। और ये अपना 2 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक है, जो कि पूरी फैमिली से लेके मतलब बड़े बच्चे बुजुर्ग और सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें ऑप्शन है। और खासकर बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए ये है कि 50 फिट के इसमें डायनासोर है। जी हाँ, 50 फिट के डायनासोर, जो कि रोबोटिक डायनासोर हैं। आपके सामने खड़े होंगे तो आप ऐसा लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल है, उनसे आवाज़ भी निकलती है। इसमें किंग कॉन्ग भी है, जो आप किंग कॉन्ग फिल्म देखते हो ऐसे ऐसे करके, ये वाले किंग कॉन्ग भी हैं। और इसमें बड़ों के लिए क्या है, क्रॉकरी, घर लेडीज़ों के लिए क्रॉकरी का आइटम है और बाकी काफ़ी ऑप्शन है इसमें। तो चलिए चल के देखते हैं। और जो कि इसका ज़्यादा देर का टिकट भी नहीं है, टिकट का प्राइस है ओनली 30 रुपीज़। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमारे नोएडा सेक्टर 46 में द रामलीला ग्राउंड में लगा हुआ है। इस पार्क का नाम है द किंग कॉन्ग पार्क, दूसरा नाम है द ट्रेड फेयर पार्क। तो आइए चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या है हमारे लिए अभी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। चलिए आइए। एंट्री करते हो एंट्री गेट पे ही आपको ये मंदिर दिख जाएगा, बेहतरीन सा बनाया हुआ है, गणेश जी का मूर्ति है। अंदर यहाँ पे ये देखिए पान का, ईशान खान का पान, और कितना बेहतरीन लग रहा है ये देखने में। पान की सजावट देखिए, पान जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी पसंद लग, बेहतरीन लग रहा है ये। भैया पान कितने का है? 30 रुपये का पान है और देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है, आप एक बार आके ट्राई करें मेले में। यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइप के बेहतरीन से लगे हुए हैं, ये सारे आप परचेस कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम है जो घर पे आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। देखिए आप, हर टाइप की चीज़ें लगी हुई है यहाँ पे, डेकोरेटिव आइटम, शॉपिंग के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके लिए। शॉपिंग के लिए है, डेकोरेशन घर में जैसे मैट वगैरह डेकोरेटिव आइटम है, ये सारी चीज़ें हैं, सेल भी लगी हुई है। तो पूरी वीडियो में आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और चलते हैं, पहले आपको डायनासोर दिखाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। तो सबसे पहले डायनासोर देखते हैं, उसके बाद आगे वीडियो में आपको शॉपिंग का दिखाएंगे, क्या क्या शॉपिंग के लिए है यहाँ पे, क्या क्या ऑप्शंस है शॉपिंग के लिए। अभी तक हमने डेकोरेटिव आइटम देखा है, अंदर बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने के लिए है यहाँ पे। शॉपिंग के लिए बच्चे, लेडीज़ सभी के लिए हैं। ठंडी का टाइम चल रहा है तो विंटर कलेक्शन भी है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले डायनासोर देख लेते हैं। A few moments later. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? Thank you.
हमारे पीछे गाइस किंग कॉन्ग आप देख सकते हैं, किंग कॉन्ग। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफी सामान है, देखिए जैसे मेले में मिलते हैं। बाकी यहाँ विंटर्स के कपड़े हैं जो कि काफी सस्ते दामों में सेल लगी हुई है, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे नोएडा के सेक्टर 46 में रामलीला मैदान में लगा हुआ है और ये आइटम्स देख सकते हैं आप कितने बेहतरीन हैं, क्रिएटिव हैं, काफी होम डेकोरेशन के लिए आप यहां से ले जा सकते हैं। विंटर कलेक्शन भी है यहां पे, सेल भी है और ऐसे नॉर्मल भी, दोनों टाइप के सामान यहां पे मिल रहे हैं। और बाकी अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर और क्या क्या है, झूले के लिए हैं, झूले भी लगे हुए हैं, वो आपको बाद में दिखाएंगे। पहले यहां पे डोरमैट, बाकी ये देखिए ये कितने बेहतरीन डिज़ाइन लग रहे हैं, आप होम डेकोरेशन के लिए ले जा सकते हैं। कप प्लेट वगैरह हर टाइप की चीज़ें हैं जो चिकनी मिट्टी से बनी होती हैं। ये मेला 1 महीने तक रहने वाला है, तो 2 तारीख से लगा हुआ है, आज 2रा दिन है। और देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, अभी उतनी भीड़ नहीं है, ज़्यादातर भीड़ रात में होती है, दिन में भी आप आ सकते हैं, रात दिन दोनों टाइम खुला रहता है। यहाँ पे देखिए ये स्पेशल राजस्थानी अचार है, इन्होंने अपने स्टॉल लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पे बस ये राजस्थान का अचार ही अचार स्पेशलिस्ट की तरह दिखा रहे हैं, स्पेशली अचार पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर। बच्चों के लिए ये देखिए, जो कि आप मॉल में देखते हैं, मॉल वगैरह में लगे रहते हैं, यहाँ भी चल रहा है। इस टाइम मतलब अगर आप नोएडा में हैं तो सर्दी का टाइम है और आपको यहाँ आना चाहिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। शॉपिंग के लिए काफ़ी कलेक्शंस हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, और लोग शॉपिंग कर भी रहे हैं इस समय। सेल वाले आइटम हैं 10 से लेके, काफ़ी महंगे आइटम भी हैं, सस्ते आइटम भी हैं। वॉचेस की स्टॉल लगी हुई है, चश्मे हैं यहाँ पे, कपड़े हैं, राजस्थानी कपड़े जो आते हैं वो हैं, और बच्चों के खेलने के खिलौने, ताकि अगर मतलब कोई भी बच्चा यहाँ पे आप लेके आते हैं तो बोर नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ आइटम दिख जाएगा, ख़रीदने का आपका मन कर देगा। ऐसा मेला लगा हुआ है जिस जहाँ पे हर टाइप का सामान मिल रहा है। यहाँ पे बच्चे के लिए हैं, अगर फैमिली वाले हैं तो वाइफ गर्लफ्रेंड हर किसी के लिए ले सकते हैं। खाने पीने के आइटम्स हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए अभी ये सारे इतने सारे आइटम हैं खाने पीने के, अचार जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में राजस्थानी अचार दिखाया था, यहाँ भी वेराइटीज़ ऑफ अचार हैं। बहुत बढ़िया स्वाद है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, खाने में बहुत बेस्ट है, ये राजस्थान का है, मेवाड़ का है, बहुत बढ़िया स्वाद है जी, एक बार खाओगे दोबारा जरूर लेने के लिए आओगे। आगे आइए, आगे यहाँ पे ये लेडीज के लिए कॉस्मेटिक आइटम्स भी हैं यहाँ पे, कॉस्मेटिक, चाबी रिंग, मतलब आप मेले में आते हो तो बोर नहीं होगे, इतने आइटम्स हैं आपके यहाँ पे कि आप कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे। दोनों हाथ मिला के देखो कितना सा।
कोटला से आए हुए हैं और इन्होंने इतने टाइप के यहाँ पे सामान रखे हैं, नाम भी नहीं पता हमें तो। देखिए आप, ये यहाँ पे टेस्ट के लिए रखा हुआ है, आप टेस्ट करके ले जा सकते हैं। पहले टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद परचेज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एवरेज है, आप ले सकते हैं, ख़रीदने लायक है। और टेस्ट काफ़ी अलग है इसका। बाकी ये देखिए विंटर कलेक्शन है, सॉल वगैरह जेंट्स के लिए। यहाँ पे शर्ट का कलेक्शन देखिए, विंटर में भी पैंट विंटर लायक है ये। और यहाँ पे लेडीज के लिए शॉल सूट वगैरह मिल रहा है। नोएडा में अगर आप रहते हैं तो नोएडा सेक्टर 46 में लगा हुआ है ये भूत बंगला। देखिए डर गया मैं तो। ये देखिए भूत बंगला है ये। और ये काफी लोग जो झूले के इच्छुक होते हैं वो देखिए कितना बड़ा झूला लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए झूले का प्राइस है 100 रुपये, जो बड़े वाला झूला आप देख रहे हैं इसका प्राइस 100 रुपये है और इसका 70 रुपये रखा हुआ है। डीजे भी लगा हुआ है, आप यहाँ पे आके काफी एंजॉय कर सकते हैं डांस। यहाँ अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चे बोर नहीं होंगे, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे झूले हैं यहाँ पे और काफी अफोर्डेबल प्राइस में हैं। एक बार आप आइए और देखिए, क्यों ये महीना 1 महीने तक रहने वाला है, ये मेला 1 महीने तक रहने वाला है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। नाइट के टाइम में अगर आप आते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नाइट में आने के लिए। डे में भी आ सकते हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जितना नाइट में आता है, क्योंकि नाइट का लुक जो है हर तरफ लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे अब काफ़ी मेला घूमने के बाद यहाँ पे आ गए हम फूड कोर्ट की तरफ, और दिल्ली का मशहूर हर टाइप का राजस्थानी फूड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आइए कुछ ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे अमेरिकन भुट्टा है, ये इंडिया का लेकिन नाम दिया हुआ है अमेरिकन भुट्टा। और भी बहुत सारे हैं, राजस्थानी पिल्ला कुल्फी, रोड स्टार, तंदूरी चाय, हर टाइप के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। तो आप आइए और एक बार ट्राई करिए। ये थी आज की वीडियो और आज के लिए इतना ही। तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।